माय यूट्यूब चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्त अनुज 24 साल के हैं जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले उनको स्किन एलर्जी हुई जिसमें उनके शरीर पर छोटे छोटे फोड़े जैसे दाने हो गए थे जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्होंने डॉक्टर से दवा ली और ये दिक्कत ठीक भी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से ये दिक्कत होने लगी तो डॉक्टर ने उनको ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी। जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनका तो खून ही साफ नहीं हो रहा है, यानी कि ब्लड प्योरिफिकेशन की दिक्कत है। ये समस्या लगभग हर घर में पाई जाती है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे खून को कैसे साफ किया जा सकता है। मैं ये सब कंटेंट बहुत रिसर्च करके लाती हूँ और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें और काम करने का हौसला मिलता है। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स भी हैं। नए एडल्ट लोगों के शरीर की त्वचा पर एलर्जी बहुत ही कॉमन समस्या है। ये अक्सर खून के साफ ना होने की वजह से होती है। एक एडल्ट में लगभग 5 लीटर खून होता है और खून साफ करने का काम दवाइयाँ नहीं करती बल्कि शरीर खुद करता है। यदि खून साफ नहीं होता तो बहुत ही समस्या हो सकती है। खून साफ नहीं होने से ब्लड टॉक्सिक हो सकता है और उससे कई बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा खून साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब ये बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खून साफ हो रहा है या नहीं। इसके बारे में भी हमने सर्वेज और आर्टिकल से पता किया है और इसका जवाब भी हम आपको समझाएंगे। हमारे शरीर को भगवान ने बड़ी ही होशियारी से बनाया है। हमारे शरीर में खून साफ करने के लिए 2 अंगों को बनाया गया है। पहला है लिवर और दूसरा है किडनी, और ये दोनों अंग बहुत ही बेहतरीन ढंग से खून की सफाई करते हैं। हमारा लिवर लगातार हार्मफुल केमिकल और ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता रहता है और उनको इजी केमिकल में परिवर्तित करता रहता है, और किडनी उसे शरीर से बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब बात ये आती है कि खून किन कारणों से साफ नहीं हो पाता है। तो बात ये है कि कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता, या यूँ कहें इन कारणों से लिवर का काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता है। जैसे कि ओबेसिटी का मतलब है मोटापा, स्मोकिंग जिसे हम कहते हैं धूम्रपान, एल्कोहल शराब का पीना, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से लिवर और किडनी डैमेज हो जाती है और ये दोनों अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और जो केमिकल शरीर से बाहर जाने चाहिए वो शरीर में ही इकट्ठा होने लगते हैं, और इस कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। खून नहीं साफ होने पर हमारा शरीर कई लक्षण दिखाता है, जैसे कि हेयर लॉस मतलब बालों का झड़ना, चेहरे पर पिंपल्स का होना, शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ का होना, हाई ब्लड प्रेशर रहना, शरीर में खुजली होना और सिरदर्द होना। इसके अलावा बिलिरुबिन जो हमारे शरीर का एक केमिकल है उसका लेवल शरीर में बढ़ जाता है क्योंकि लिवर उसे शरीर से बाहर करता है। उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है और आसान भाषा में इसे पीलिया भी कहते हैं। और अगली समस्या ये है कि अमोनिया दिमाग में एक जगह इकट्ठा होने लगता है जिसकी वजह से हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, जो कि एक नर्वस डिसऑर्डर है, मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत है जिसमें आदमी हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है और उसके कोमा में जाने की चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इससे हमें बचाव कैसे करना चाहिए। एक्सपर्ट की राय माने तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा लिवर और किडनी ठीक से काम करता रहे और ये समस्या हमें हो ही ना। अल्कोहल बिल्कुल नियंत्रित मात्रा में पीनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, जंक फूड यानी कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए, और हमें अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जैसे कि लहसुन, चुकंदर, हल्दी, स्ट्रॉबेरी, सेब, बीन्स। ये सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और खून साफ करने में लिवर की हेल्प करती हैं। एक्सपर्ट की माने तो हम अच्छी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि कुछ हार्मफुल केमिकल्स पसीने के रूप में ही बाहर आ जाएं। थोड़ा प्रिकॉशन लें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं तो हमारा लिवर और किडनी खुद ही सक्षम है खून को साफ करने के लिए। किसी लिवर टॉनिक या ब्लड प्योरीफायर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी सिम्टम्स दिखें तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने खून की जाँच कराएँ और डॉक्टर के सजेशन के अनुसार इलाज करें। हम अपने शरीर के अंगों को
बड़े हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि इनका तो काम ही यही है, पर उनका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये भी मशीन की तरह ही घिसते हैं, तो इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते ज़रूरी हेल्थ टिप, अल्कोहल का सेवन बहुत ही कंट्रोल्ड मात्रा में करें या ना करें। स्मोकिंग पॉसिबल हो तो छोड़ दें। हमेशा खुश रहें, यानी स्ट्रेस फ्री लाइफ को अपनाएं। ये जानकारी ही बचाव है। अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि पालक, प्याज, लहसुन, हल्दी, चुकंदर, फूल गोभी और लगभग सारे फल की मात्रा ज़रूर ऐड करें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहें। हमारे लिवर और किडनी सक्षम है खून साफ करने के लिए, बस हमें उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी है। आप अपने परिवार और अपने सेहत का ध्यान रखें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। और इसमें किसी को कुछ चार्ज नहीं होता तो, लेकिन हमें काम करने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।